हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरकिशन और आप सभी का स्वागत है लाइफ साइट विजिट पे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी इंडिपेंडेंट विला दिखाने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही प्राइम लोकेशन में आपको मिलने वाला है। मैं बताऊँ तो ये आपका रहेगा 106 गज में आपका ये विला रहेगा जो 3 BHK रहेगा। 2 रूम्स नीचे रहेंगे, 1 रूम ऊपर रहेगा। चलो हम चलते हैं अपनी विला की तरफ। की तरफ रोड की मैं बात करूं तो 40 से 40 to 45 feet की आपकी ये रोड रहेगी। एलिवेशन की मैं बात करूं तो वुडन टाइलिंग के साथ आपकी इसकी टाइल्स रहेंगी, साथ में आपकी टफन ग्लास के साथ आपकी इसकी ग्रिलिंग रहेगी। इसकी मेन गेट की अगर हम बात करें तो आयरन का इसका गेट रहेगा। पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 4-wheeler पार्किंग आपकी एक बाहर भी आ जाएगी, साथ में 2-wheeler की आपकी अंदर भी पार्किंग आ जाएगी। जैसे कि आप ये स्पेस देख रहे हैं, इन्वर्टर के लिए इन्होंने अलग से आपको स्पेस दे दी है कि साइड में अपना आप इसके ऊपर ना वुडन का वर्क करवा के आप इसको अलग से साइड में सेपरेटली रख सकते हैं अपने इन्वर्टर को। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपनी विला की तरफ। ये आपका डोर आ जाता है, 8 feet का आपका वुडन का डोर आ जाता है। आइए तो एंट्रेंस के साथ ही आपका ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया आ जाता है। 5-seater जैसे कि आप देख सकते हैं, 5-seater यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, फिर भी आपकी बहुत ही मूवेबल स्पेस यहाँ पे है। वॉल की अगर हम बात करें तो POP वॉल के साथ आपको ये डिज़ाइन के साथ आपको ये वॉल मिल रही है, विद वुडन वर्क आपको ये वॉल मिल रही है। 4 ceiling की बात करें तो 4 ceiling आपकी एज इट इज़ रहेगी, अपना वुडन वर्क आपका इसका एज इट इज़ रहेगा। विंडो की अगर मैं बात करूं तो लाइट और वेंटिलेशन की आपकी प्रोविज़न पूरी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं 4-seater यहाँ पे डाइनिंग आपका इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप 6-seater भी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तब भी आपका स्पेस बहुत रहेगा। अब चलते हैं हम अपने मॉड्यूलर किचन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना मॉड्यूलर किचन आ जाता है। सॉफ्ट क्लोजर के साथ इसके अपने कैबिनेट्स आ जाते हैं। यहाँ आपकी चिमनी की, आरओ की और अपनी गीजर की प्रोविज़न रहेगी। मार्बल की मैं बात करूँ, ग्रे नाइट आपका मार्बल रहेगा। साउंड प्रूफ आपकी सिंक्स रहेंगी, साथ में आपकी विंडो रहेगी जिससे आपका वेंटिलेशन और अपनी लाइटिंग आपकी किचन में पूरी रहेगी। आओ चलो चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्पेशियस आपका ये बेडरूम आ जाता है। रूफ टॉप तक आपके ये वार्डरोब्स आ जाते हैं, साथ में आपका 4 ceiling आपकी आ जाती है विद LED लाइट्स। टीवी पैनल की बात करूं, टीवी पैनल आपको एज इट इज मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी आपको बिल्कुल एज इट इज रहेगा, रूफ टॉप तक आपकी सारी टाइलिंग रहेगी और साथ में आपकी सारी जो फिटिंग्स है जैगवार या फिर मेन ये है कि ब्रांडेड आपकी फिटिंग्स रहेंगी। विंडो की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी विंडो रहेगी, मीन इससे भी आपके रूम में लाइटनिंग और आपकी वेंटिलेशन पूरी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, एज इट इज़ यही है, सेम आपके वार्डरोब्स रहेंगे, रूफ टॉप तक आपके वार्डरोब्स रहेंगे, साथ में आपका टीवी पैनल आ जाता है। यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया के लिए गेट आ जाता है, यह आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। अटैच आपका इसमें एज इट इज वॉशरूम आ जाता है, इसमें भी सेम आपके एज इट इज यहाँ पे टाइलिंग आ जाएगी, रूफ टॉप तक आपकी टाइलिंग आ जाएगी, साथ में आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स आ जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये अब हमने देखा अपना ग्राउंड फ्लोर जिसमें आपका 2 rooms रहे, आपके साथ में ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया आ गया, साथ में आपका किचन आ गया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। स्टील की आपके साथ में ग्रिलिंग रहेगी आपकी स्टेयर्स के साथ। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम आ गए अपना थर्ड बेडरूम की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर ये सेम एज इट इज आपको 4 ceiling मिलेगी, जैसे ही झूमर लग रखा है आप भी ऐसे ही झूमर लगा के अपने विला को सुंदर बना सकते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले हमारा जाता है किचन। किचन देखें एज इट इज जैसे नीचे था सेम वर्क ऊपर भी मिलेगा। सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको सारे कैबिनेट्स मिलेंगे, साउंड प्रूफ आपको यहाँ पे सिंक मिलेगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ।
ये हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम, एज इट इज़ रहेगा। इसमें आपको फोर सीलिंग मिलेगी, फोर सीलिंग एज इट इज़ आपको LED लाइट्स के साथ रहेगी। ये आपका LED पैनल आ जाता है जो एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। हम यहाँ पे रोशनी की बात करें तो एज इट इज़ आपकी यहाँ पे विंडो रहेगी, वेंटिलेशन और लाइटनिंग आपकी पूरी रहेगी। साथ में आपकी आ जाती है बालकनी। बालकनी की अगर हम बात करें तो पूरी आपको फुल यहाँ पे बालकनी मिलने वाली है। साथ में आपको ये टाइल वर्क के साथ आपको वॉल मिलने वाली है, विद डिज़ाइनर आपको लाइट्स मिलने वाली है। ग्रिलिंग की अगर हम बात करें तो टफन ग्लास के साथ आपको यहाँ पे ग्रिल मिलने वाली है। कपबोर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके कपबोर्ड्स आ जाते हैं, स्पेशियस ये आपके कपबोर्ड्स यहाँ पे आपको एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। साथ में ही आपकी ये वॉशरूम आ जाता है, बहुत ही स्पेशियस ये आपको वॉशरूम आ जाता है। रूफ टॉप तक आपकी टाइलिंग आ जाती है, साथ में आपकी वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है, और साथ में आपकी सेम आपकी एज इट इज़ जैगुआर की आपकी फिटिंग्स रहेंगी। अब हम चलते हैं अपने टेरेस की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका अब आ जाता है टेरेस, बिल्कुल टाइलिंग वर्क के साथ आपको यह टेरेस एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। साथ में आपको आयरन की आपकी ये स्टेयर्स भी मिलने वाली हैं। तो ये देखा आपने 106 गज में इंडिपेंडेंट विला। अगर आपको विला अच्छा लगा तो प्लीज़ ये नीचे गए दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लोकेशन की अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो सन इनक्लेव मोहाली सेक्टर 123 में आपके ये विलास रहेंगे, गेटेड सोसाइटी में रहेंगे। आपके 200 फीट PR7 मेन या हाईवे रोड के साथ बिल्कुल इसकी कनेक्टिविटी जो है सिर्फ 2 मिनट की रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल करें और ये विला को बुक करें। थैंक यू।